नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 4 सितंबर है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले बात करें यदि लो प्रेशर सिस्टम की, जो कल मध्य प्रदेश क्षेत्र के ऊपर बना हुआ था, आज वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बन गया है और फिलहाल दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर स्थित है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी बंगाल और आसपास के क्षेत्र के ऊपर फिलहाल बना हुआ है और इसके अगले 24 घंटों में एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत के कुछ भागों में बनने की संभावना है। इन दोनों सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई भागों में भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश ऋषभ देव उदयपुर में अति भारी बारिश 167 mm, जबकि पश्चिमी राजस्थान के गुढ़ा मलानी बाड़मेर में 147 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में चल रहे भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर अगले 24 घंटों में बना रहेगा। इस दौरान अनेक भागों में, खासकर जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है और इस दौरान एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 3-4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि आप देखेंगे कि 7-8 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी, खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है इनमें बारिश में कमी होती हुई दिखेगी। लेकिन पूर्वी जो भाग है, खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग के जो पूर्वी इलाके हैं, इनमें अभी भी अगले 4-5 दिनों तक मध्यम दर्जे की बारिश के स्पेल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस मानसून सीजन में अब तक यदि देखें तो 597 mm बारिश पूरे मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में हो चुकी है, जो कि सामान्य से 54% ज्यादा है। यानी कि इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 1.5 गुना से ज्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। वहीं जिलावार देखें तो फिलहाल एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे सामान्य से नीचे बारिश हुई हो। तो अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां सामान्य या सामान्य से ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो रिपोर्ट हुई। धन्यवाद।